फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस चैनल कुक विश वुश में। आज फिर एक नई रेसिपी आपके साथ शेयर करने में आई हूँ। बहुत ही अच्छी और प्यारी सी रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ इसे बनाते वक्त आपके चेहरे पर मुस्कान और दिल में खुशी ज़रूर होगी, तो खाते वक्त कितनी खुशी होगी ये आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले जिस इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होगी वो है राइस फ्लोर, चावल का आटा, जो कि मैंने यहाँ पर 3 कप ले लिया है। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, मेज़रमेंट उसी हिसाब से रखिए जिस हिसाब से मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। 1/2 टीस्पून इसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड करिए। और 1 कप मैंने यहाँ पे उबला हुआ पानी लिया है। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके राइस फ्लोर में इस तरह से डालेंगे और 1 स्पून की मदद से उसे इस तरह से मिलाते जाएंगे, क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है इस वजह से हम इसके अंदर हाथ से टच नहीं करेंगे, क्योंकि पानी जो है वो हमें एकदम उबलता हुआ चाहिए ताकि हमारा जो चावल का आटा है वो अच्छे से मिक्स हो सके। इसलिए इसे ठंडे पानी से नहीं गूंथना है। अभी इस तरह से जैसे वीडियो में मैंने दिखाया है उस तरह से चम्मच की मदद से इसे मिलाते जाएंगे, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इस तरह से मिलाएंगे। हमें इसे अभी गूंथना वगैरह नहीं करना है, बस इस तरह से स्पून की मदद से मिला लेना है। देखिए आटा हमारा यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से मिल गया है। अब इसको 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। और यहाँ पे मैंने बासमती राइस लिया है 1/2 कप। इसे अच्छे से वॉश करना है। ये जो लंबा वाला बासमती राइस होता है ना, वही राइस लिया है मैंने। इसको अच्छे तरीके से पानी से 2 से 3 बार वॉश कर लेना है। और उसके बाद 2 चम्मच इसमें पानी डाल के इसे थोड़ी देर के लिए सोक करके रख देना है। उसके बाद आगे का प्रोसेस हम इसके साथ करेंगे कि इसका क्या यूज़ है, मैं आगे आपको बताऊंगी। अभी फ़िलहाल इसे धो के हमें, ये मैंने पानी डाल दिया है, इसको अच्छी तरह से 2 से 3 बार हमें धो लेना है ताकि इसके अंदर जो भी गंदगी है और जो स्टार्च है वो निकल जाए अच्छी तरह से। और उसके बाद इसमें पानी डाल के इसे सोख करके रख देना है। अब आगे का प्रोसेस देखते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आलू बॉईल करके ले लिया है। आलू को मैं छील रही हूँ, इसको छील के ले लेंगे, अच्छी तरह से हम इसे छील लेंगे। आपको ये रेसिपी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, लेकिन यकीन मानिए बहुत ही ईजी है बनाना। गैस पे मैंने एक पैन चढ़ा दिया है। ये जो रेसिपी है नाश्ते की वो आप बहुत ही कम तेल में बन के तैयार कर सकते हैं। यहाँ मैंने 1 स्पून ऑयल डाला है और उसमें जीरा डाल दिया है। जीरे को हम अच्छी तरीके से चटकने देंगे। जीरा कच्चा रह जाएगा तो उसका टेस्ट बहुत ही अजीब सा आता है, इसीलिए इसे अच्छे से चटकने देंगे। जीरा हमारा चटक गया है। अब यहाँ मैंने 1 प्याज बारीक कट करके ले लिया है, उसे मैंने इसके अंदर डाल दिया है। एकदम हमें ब्राउन नहीं करना है प्याज को, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाए बस उतना ही। 1 हरी मिर्च मैंने ली है, उसे कट करके इसके अंदर डाल दिया है। इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। अब इसके अंदर मैंने साइड करके थोड़ा सा मूंगफली डाल दिया है। मूंगफली एकदम ज़्यादा नहीं भूनना है हमें, बस थोड़ा सा रोस्ट किया हुआ टेस्ट आ जाए बस उतना ही। 1 चम्मच घी मैंने इसमें ऐड किया है ताकि अच्छा सा टेस्ट इसके अंदर स्टफिंग के अंदर आ जाए। अब इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला देंगे। आप मिर्च जो है वो अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप मिर्च कम कर सकते हैं। यकीन मानिए ये रेसिपी बनाते वक्त आप काफ़ी इंटरेस्ट लेके इसे बनाएंगे और काफ़ी इंजॉय करेंगे इसे बनाते वक्त। बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है ये। आप इसे नाश्ते में भी खा सकते हैं, आप इसे स्नैक्स के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसके साथ एक चटपटी सी चटनी भी बनाएंगे जो कि इस रेसिपी का स्वाद और बढ़ा देगा। ये देखिए अच्छे से हमारा प्याज और मूंगफली वगैरह जो है भुन गए हैं। अब इसके अंदर जिंजर गार्लिक को अच्छे से कूट के मैंने डाल दिया है। पेस्ट नहीं बनाया है, उसको थोड़ा सा कूट लिया है और तब डाला है इसके अंदर।
उसमें से भी एक अच्छी खुशबू आने तक उसको थोड़ा सा भून लेंगे। जब अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे आलू। आलू को हम पूरा इस तरह से ही डालेंगे, उसे पहले से ही मैश करके नहीं डालेंगे। उससे क्या होगा कि ये भी आलू इसके अंदर सिक जाएगा अच्छे से। जब हम इस तरह से टुकड़े करके आलू को सेकेंगे तो वो भी अच्छे तरीके से इनके साथ भुन जाएगा और एक अच्छा सा टेस्ट आएगा इसके अंदर। स्टफिंग आप जितनी अच्छी बना के रेडी करेंगे, इस रेसिपी का टेस्ट आपको उतना अच्छा मिलेगा। यहाँ पे टेस्ट के हिसाब से आप नमक डाल दीजिए, जितना हिसाब से आप खाते हैं, तेज खाते हैं तो ज़्यादा डालिए, कम खाते हैं तो कम नमक डालिए, वो पूरी तरह से आप पे डिपेंड करता है। सूखे मसालों में हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी, मिर्च, चाट मसाला, जीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और ब्लैक पेपर जो है उसका हाफ टी स्पून पाउडर हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपके पास अमचूर है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, या तो चाट मसाला ऐड करिए या फिर इसमें अमचूर डालिए। आपके पास अगर गाजर है, शिमला मिर्च है, मटर है तो आप मूंगफली की जगह मटर डाल सकते हैं, और वेजिटेबल्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। स्टफिंग पूरी तरह से आप पे डिपेंड करता है कि इसका स्टफिंग आप किस तरह से बनाएं। तो मैंने इस तरह से स्टफिंग रेडी की है। अगर आपको चाहिए तो आप इसमें गाजर, शिमला मिर्च, छोटे छोटे बीन्स के टुकड़े ऐड कर सकते हैं। आलू की जगह आप इसके अंदर पनीर यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने इसके अंदर बहुत ज़्यादा धनिया का पत्ता जो है कट करके डाल दिया। अभी सर्दी के सीज़न है, सर्दियों का मौसम चल रहा है, अच्छे धनिया पत्ता जो है वो मार्केट में मिल रहे हैं और उनकी खुशबू इतनी अच्छी है कि किसी भी रेसिपी में आप धनिया का पत्ता ऐड करेंगे तो उस रेसिपी का स्वाद और सुगंध जो है वो अपने आप ही बढ़ जाता है और खाने का मन करने लगता है उस रेसिपी को। अब यहाँ देखिए हमारा स्टफिंग जो है रेडी हो गया है, ठंडा भी हो गया है। अब इसे हाथ से इस तरह से मैश कर लेंगे, हाथ से इसलिए ताकि ये बहुत अच्छी तरह से मैश होना चाहिए, इसलिए इसके अंदर गुठली नहीं रहना चाहिए एक भी, इसलिए इसको अच्छे तरीके से हम मैश कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टफिंग हमारा रेडी हो चुका है, काफ़ी टेस्टी दिख रहा है ये। अब आटे को देख लेते हैं। आटे को हमने गर्म पानी से गूंथा था, इस वजह से वो स्टीम ढक देने से स्टीम उसके अंदर था तो वो और भी अच्छा सॉफ्ट हो चुका है। अब इसको अच्छे से इस तरह से मिला लेंगे हम हाथ से। ये देखिए सॉफ्ट सॉफ्ट एकदम अच्छा सा आटा हमारा लग के यहाँ पे रेडी हो चुका है। ये देखिए कितना सॉफ्ट है कि हमारे फिंगर के प्रिंट्स भी इसके ऊपर आ जा रहे हैं, इतना सॉफ्ट हमारा आटा लग के रेडी हो चुका है। अब चलिए आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। अब आटे में से हम एक नींबू के बराबर लोई कट करके ले लेंगे और उसे हाथों की मदद से दोनों हाथ के बीच में इस तरह से उसकी गोली बना लेंगे, देखिए जैसे वीडियो में दिखा रही हूँ, और फिंगर्स की हेल्प से इस तरह से उसे चपटा करके पूरी का शेप दे देंगे क्योंकि इसके अंदर हमें अब स्टफिंग को डालना है। तो इस तरह से एक हम पूरी का शेप रेडी करेंगे ताकि उसके अंदर हम स्टफिंग को डालें तो वो अच्छी तरह से उसके अंदर बन जाए। ये देखिए स्टफिंग मैंने स्पून के हेल्प से डाल दिया है इसके अंदर और अब इस तरह से उसको शेप देंगे ताकि एक अच्छा सा बॉल हमारा बनके रेडी हो जाए। देखिए फिंगर्स के हेल्प से उसे साइड से मोड़ लेंगे और अच्छा सा बॉल बना के रेडी करेंगे। तो ये देखिए हमारा एक बॉल बनके रेडी हो गया है फ्रेंड्स, एक भी क्रैक नहीं रहना चाहिए इसमें। अगर आपको कहीं से क्रैक दिख रहा है तो थोड़ा सा आटा लेके हम उस जगह पे लगा के वापस से बॉल को अच्छा सॉफ्ट गोल कर लेंगे। और आपको अगर गोला बनाने में कोई भी दिक्कत हो रहा हो तो हाथों में थोड़ा सा ऑयल इस तरह से लगा लीजिए और उसके बाद आप इस तरह से बॉल्स बनाइए, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। इसी तरह से हमें सारे बॉल्स रेडी कर लेने हैं, बहुत ही ईजीली बन जाता है इसका बॉल, कोई टेंशन की बात नहीं है।
ये हम ठीक उसी तरह बनाएंगे जैसे हम गणपति जी जब आते हैं तब हम मोदक बनाते हैं, ठीक वही सेम प्रोसेस है। उसमें हम मीठा भरते हैं और इसके अंदर जो है हम नमकीन स्टफिंग भर रहे हैं, सेम वही प्रोसेस है। तो इस तरह से हम इसको गोल गोल बना लेंगे। देखिए कितना इजीली बन जाता है, यकीन मानिए इसे बनाते वक्त आप काफ़ी इन्जॉय करेंगे, बहुत ही इन्जॉय करने वाले हैं आप इसको बनाने में। ये देखिए स्मूथ एकदम सॉफ्ट सा बॉल हमारा बनके रेडी हो गया है। इस तरह से हमें सारे बॉल्स बना के रेडी कर लेने हैं, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट और गोल गोल बना के हमें इस तरह से रेडी करके एक प्लेट में रखते जाना है। ये जो हम रेसिपी बना रहे हैं इसे बनाने के लिए हमारा आटा काफ़ी सॉफ्ट लगा हुआ होना चाहिए, नहीं तो जो रेसिपी बन रही है वो काफ़ी हार्ड बनेगी और खाने में अच्छा नहीं लगेगा, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें। अब जो चावल हमने सोख करके रखा था उसे देखिए, ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा हो गया है, फूल गया है। अब इसका पानी हम निकाल देंगे, उसका पानी बिल्कुल पूरी तरह से निकाल के चावल को हम एक प्लेट के अंदर फैला लेंगे अच्छी तरह से। ध्यान रखेंगे कि चावल जो हम फैलाएं प्लेट में तो उसमें ज़रा सा भी पानी ना रहे, एकदम सूखा सा रहे। तो इस तरह से हम प्लेट में फैला लेंगे इसे, चावल को पूरे चावल निकाल लेंगे, पानी सुखाते हुए पानी को पूरा निकालते हुए इस तरह से चावल को प्लेट में फैला लेंगे। और जो हमने बॉल्स बना के रखे हैं उसे हम इन चावलों के ऊपर इस तरह से गोल गोल घुमाते जाएंगे। देखिए जिस तरह से मैं वीडियो में घुमा रही हूँ, इस तरह से हमने जो बॉल्स बना के रखे हैं ना उसे धीरे धीरे दबाते हुए इन चावलों के ऊपर इस तरीके से घुमा देंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि चावल जो हम इसके ऊपर स्टिक करवा रहे हैं वो ज़्यादा ना इसके ऊपर चिपक जाए, नहीं तो क्या होगा, ज़्यादा चावल अगर चिपक जाएंगे तो अंदर स्टीम नहीं पहुंच पाएगा और अंदर से ये नाश्ता जो है वो कच्चा रह जाएगा। देखिए जितना चावल मैं आपको दिखा रही हूँ एक पतला सा कोट लग जाना चाहिए इस बॉल के ऊपर, आई होप आपको दिख रहा होगा। सारे बॉल्स में हम इस तरह से एक कोट लगा के चावल का रेडी कर लेंगे। देखिए इस तरह से जो एक्स्ट्रा होंगे वो अपने आप ही झड़ जाएंगे, आप कोशिश करिए कि ज़्यादा चावल ना लगे उसके ऊपर। अब एक कढ़ाई में मैंने 2 ग्लास पानी ले लिया है और इस तरह से स्टैंड रख दिया है। आपके पास अगर इडली स्टैंड है तो आप उसमें भी ये बना सकते हैं, और अगर नहीं है इडली स्टैंड तो कोई बात नहीं, मैं आपको ऑप्शन में ये भी दिखा रही हूँ कि आप कढ़ाई में इस तरह से बना सकते हैं। और एक प्लेट में आप इस तरीके से ग्रीसिंग कर लीजिए ऑयल की या घी की ग्रीसिंग कर लीजिए और इस तरह से जो बॉल्स बना के रखे हैं उन्हें इस तरह से प्लेस कर दीजिए। एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो बॉल्स हैं उनमें थोड़ा थोड़ा गैप होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नज़दीक मत रखिए, नहीं तो स्टीम नहीं हो पाएगा ये अच्छे तरीके से, अंदर से कच्चा रह जाएगा और बनने के बाद जो चावल हैं वो अपना स्पेस नहीं ले पाएगा। अब चलिए चटनी की तैयारी कर लेते हैं। चटनी के लिए मैंने यहाँ पे हरे हरे ताज़े धनिया के पत्ते ले लिए हैं और उनका जो डंडी होता है मैंने वो नहीं कट किया है क्योंकि उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसके अंदर मैंने डाला है 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 3-4 लहसुन की कलियाँ, 1 कप दही खट्टाई के लिए और रोस्ट किए हुए मूँगफली और मिर्च आप अपने हिसाब से और नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा तीखा खाते हैं तो ज़्यादा तीखा डालिए। और यहाँ मैं इसको पीसने के लिए बर्फ़ के टुकड़ों का यूज़ कर रही हूँ ताकि चटनी का जो कलर है वो ग्रीन ही रहे, इसके कलर में चेंजिंग ना आए। ये देखिए हमारा चटनी रेडी हो गया है और अब नाश्ता चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारे बॉल्स बनके रेडी हो चुके हैं, इतना सुंदर लग रहा है देखने में। ये देखिए बहुत ही प्यारा हमारा नाश्ता बनके रेडी हो गया है, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए देखते ही बनाने का मन करेगा आपका, और बड़े बच्चों सभी को ये बहुत पसंद आने वाला है, आप एक बार बनाएंगे तो बार बार ही बनाने का मन करेगा आपको, ये इतना ज़्यादा डिमांड में रहने वाला है ये नाश्ता कि आपको ये नाश्ता बार बार बनाना पड़ेगा। बच्चे तो बच्चे, बड़ों को भी ये बहुत पसंद आने वाला है क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी नाश्ता है। सिर्फ 1 चम्मच ऑयल में हमने इस नाश्ते को बना के रेडी किया है। चलिए अब मैं आपको इसको कट करके अंदर से कैसा दिख रहा है और पका है या नहीं अंदर से ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ।
तो ये देखिए कितना प्यारा लुक है हमारे इस नाश्ते का, बहुत ही अच्छा दिख रहा है ये, और अंदर से भी बहुत ही अच्छे तरीके से पक गया है। अब इसको इस चटनी के साथ जब आप इंजॉय करेंगे तो बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर दीजिए और अपने इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।